आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा जो कि हिंदी में डब किया गया है और ड्रामा का नाम है माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये कोरियन ड्रामा बहुत ही पॉपुलर है, आपका भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। कहाँ चले गए थे आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। 12 साल से आप कहाँ थे पापा? आपकी बेटी किस हाल में होगी ये भी नहीं सोचा? इतने सालों से कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? बहुत शर्मिंदा हूं मैं, जवाब नहीं है मेरे पास। अचानक कैसे आए? सब ठीक तो है ना? आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। हाँ, ऐसे तो नहीं थे। चले, खोल लिया मैंने भी। टन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों पी रही हो इसे? एक सिप लूंगी पापा। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है जब भी बर्फबारी होती थी आप मेरे लिए फ्राइड चिकन लाते थे और हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देते थे, लेकिन अब तो बड़ी हो गई हूँ ना, अब तो पी सकती हूँ मैं। बड़ी हो गई हो क्या? हाँ, और समझदार भी हो गई हूँ। आप हमारे साथ नहीं थे ना, बहुत कुछ मिस कर दिया है आपने। इसका अफसोस है मुझे, लेकिन भूला नहीं तुम्हें। अक्सर अपनी बेटी को टीवी पे देखा करता था। तुम्हारा बचपन का सपना पूरा हो गया, इस बात की बहुत खुशी है मुझे बेटा। 12 साल से तुम मेरे साथ मेरे सपनों में रह रही हो। कुछ नहीं भूला हूं मैं। मगर पापा, मैंने आपको 12 साल से नहीं देखा। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पापा इस दुनिया में जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। मैं जब शूट पे जाया करती थी और दूसरे एक्ट्रेसेस के पापा उनके साथ होते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, तो मैं जलती थी उन लोगों से। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पापा मेरे साथ होते, मेरे साथ शूट पे चलते। अपनी ज़िंदगी में मैंने आपकी कमी बहुत महसूस की है, हर लम्हे आपको याद किया है। आपको मेरी याद नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? आप ही की बेटी हूँ, आप जान सकते हैं मुझे। मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि मैंने गलत किया था। उस दिन जब आपसे लड़कर गुस्से में बाहर निकली, रोड क्रॉस कर रही थी तो सामने से एक बड़ा सा ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मुझसे टकराने ही वाला था कि एक आदमी ने आकर मेरी जान बचा ली और मैं आज आपके सामने जिंदा हूँ। जब मैं घर वापस आई तो आप घर छोड़ के जा चुके थे। I'm sorry, बेटा। आप सॉरी मत कहें। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा पापा के, जैसे ही आपको पता चला कि आपकी बेटी को कुछ हुआ है,
वक्त हुआ आप आ गए। मैं आपसे बहुत नफरत करती थी लेकिन अब मैंने सब भुला दिया। अच्छा एक बात बताएं, आपने दूसरी शादी कर ली क्या? कितने बच्चे हैं उनसे? दूसरे बहन भाइयों का बताइए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, कोई शादी नहीं की मैंने। अच्छा तो इतने सालों से अकेले ही जिंदगी गुजार रहे थे। तुम बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है? कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। छुपा रही हो मुझसे? सच कह रही हूँ पापा, मॉम की आदतें मुझ में भी आ गई हैं। मुझे भी लड़का ऐसा चाहिए जो बहुत ही हाई फाई हो, थोड़ा बहुत आप जैसा भी होना चाहिए। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हें बहुत प्यारा लड़का मिल जाएगा। क्यों? वैसे मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आपकी तरह कोई मिले, क्योंकि अगर वो भी मुझे छोड़कर चला गया तो फिर टूट जाऊंगी मैं। खैर जो होना था वो तो हो गया, मगर फिर भी आप जैसा लड़का चाहिए। क्या सोच रहे हैं पापा? यही कि तुम तो मुझे नहीं बता रही, लेकिन मैं जानता हूं वो जो कोई भी है वो तुम्हें बहुत चाहता है। इतना ज्यादा तो मैं भी अपनी बेटी को प्यार नहीं करता। आप तो उसे जानते नहीं, फिर कैसे कह सकते? वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया है। जरूरी नहीं होता कि जिससे आप मोहब्बत करते हो वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करे, और अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी इंसान के लिए कोई नहीं। यकीनन यहाँ कोई चोर रास्ता है, कोई खुफिया दरवाजा है जिससे वो निकला होगा बाहर। यहीं से गया था ना वो। मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। तुम डोमी जॉन आ गए? जैसे गए थे साहब वैसे ही आ गए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। उस दिन जो किया मैंने उसके लिए सॉरी। मैं यहां इसलिए आया ताकि अपना गुनाह कबूल करूं। ठीक है, शुरू करो। देखिए ऑफिसर, अभी हालात वैसे नहीं जिस तरह मैं समझ रहा था। इन दो दिनों में हालात काफी मुख्तलिफ हो गए हैं। क्या हम ऐसी जगह पर बात कर सकते हैं जहां रिकॉर्डिंग ना हो? हाँ क्यों नहीं। तुम्हें क्या लग रहा है वो सच कह रहा था? हाँ ये बात सच है, जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ मैं शिप पर मौजूद था। तो तुम ये बताओ कि एक ही वक्त में दो जगह कैसे हो सकते हो? क्योंकि टेलीपोर्टिंग करने की ताकत है मुझ में। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहां तुमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं मजाक कर रहे हैं? आगे बोलो। मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता, और आगे भी जो मैं आपसे कहने वाला हूं वो भी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पहले मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता।
उस शिप पर मैं मौजूद था और उस कातिल की मैंने हर एक बात सुनी जो उसने कही। वो दोनों अपने माजी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम वो क्या बात कर रहे थे, बस मैंने उनकी बात सुनी। कौन था वो आदमी? एसीए कंपनी का डायरेक्टर उपा जे क्वीन। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? इस यूएसबी में सब राज मौजूद हैं और ये यूएसबी यूरा की है। उस लड़की ने उसके बारे में सारे सबूत इस यूएसबी में जमा किए थे, देख सकते हैं आप। इस यूएसबी की एक कॉपी मेरे पास भी है। क्या इसमें कोई ऐसी फुटेज है जिससे ये साबित हो कि उसने यूरा का कत्ल किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस वीडियो से ये प्रूफ होता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप था। यूरा उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि वो उससे शादी करे वरना वो सारे सबूत पुलिस को दे देगी। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें और फिर से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको मुझ पर यकीन है तो प्लीज इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करें। मेरे पास आपकी मदद करने के लिए सिर्फ एक महीना है। क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। टेलीपोर्ट। ये हमें बेवकूफ बना रहा है। असल बात से हमारा ध्यान हटाना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये चाहता क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बात पर यकीन करूं और किस बात पर नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, डोमी जॉन कोई आम आदमी नहीं है, कुछ तो खास है इसमें। वो सब तो ठीक है यार, मुझे भी लगता है कि उसमें कोई ना कोई खासियत है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं। वो नहीं जो नजर आता है, और भी बहुत कुछ छुपा रहा है वो, लेकिन मैं जान के रहूंगा। ना इन निकीम चीजें छोमे हो बहुत मजे का है चैंग, तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। किसका मैसेज आया है? किसी का नहीं। मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, किसकी कॉल का इंतजार कर रही हो तुम आखिर? ये बात तो सबको मालूम होगी ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। बिल्कुल, बल्कि सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों को मालूम होगा कि चैंग संग का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। यहाँ तक कि मेरे पड़ोस की कैट को भी मालूम है। समझी कुछ? अब ठीक हो जाओ जल्दी से। लगता है ये न्यूज़ इंटरनेट पे नहीं गई, इसीलिए उसे मालूम नहीं हुआ। वो कौन, तुम्हारा एलियन? हाँ, चुप चुप, पागल हो क्या तुम? चैंग, मैं देख रही हूँ तुम उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम छुपा नहीं सकती। हाँ, एक और बात, तुम जो ये कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या किया है मैंने? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? लियो तुम्हारी वजह से इस वक्त कोमा में है, तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी, और तुम अभी भी किसी और के बारे में सोच रही हो। अगर लियो उस वक्त तुम्हारी जान बचाने नहीं आता तो तुम इतने आराम से यहाँ नहीं बैठी होती। वो एलियन जिसके बारे में तुम सोच रही हो, वो तुम्हारा हाल पूछने भी नहीं आया, और उसने तुम्हें साफ साफ जवाब दे दिया है। उसने तो ये भी कहा है कि वो तुमसे नफरत करता है। वो मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकता, वो बात उसने ऐसे ही कह दी थी। अपने आप को ये झूठी तसल्ली कब तक देती रहोगी? अगर वो वाकई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता होता तो इस वक्त वो कहीं और नहीं तुम्हारे पास होता। चैंग, तुम समझती क्यों नहीं हो यार, छोड़ दो उसका ख्याल करना। तुम्हें इस वक्त सिर्फ लियो के बारे में सोचना चाहिए, जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है चैंग, और तुम हो के जिसे उस एलियन का इंतजार है। कौन इंतजार कर रहा है उसका, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। हाँ हाँ, समझती हूँ मैं।
ऊपर बेटा मैं घर जा रही हूं। इसको अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर ने क्या बताया इसकी सर्जरी का? परेशान मत हो इतना, जल्दी ठीक हो जाएगा ये। अगर ये मुझे बचाने नहीं आता तो मैं भी जिंदा नहीं हूं। पता है मुझे, जानता हूं। उपा, एक बात पूछनी थी। डिटेक्टिव क्या तुमसे मिलने के लिए आए थे? असल में वो लोग मेरे घर आए थे और मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। पुलिस वालों को ये लग रहा था कि यूरा का बॉयफ्रेंड कोई और ही है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि वो कोई और नहीं, तुम ही हो। हाँ मालूम है। कहीं मैंने उन्हें ये बताकर तुम्हें मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? मुसीबत में तो डाल दिया है, तुम्हारी गलत फहमी थी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी वो। हाँ मैं समझ सकती हूँ ये, लेकिन जो मुझे लगा मैंने वही कहा, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि गलत किया। यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा किसी और से तो नहीं की? बस लियो को मालूम है। अच्छा ठीक है।진짜 맞아. 야, 진짜 천인의 남자친구였어. 나 뻥인 줄 알았는데. 야, 진짜 대박이다. 뭔데? 역시 회장님 아드님의 스캔들은 스케일이 다르구만. 이건 블록버스터야. खबर देखी तुमने? चैंग सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये देखो उसकी तस्वीर। अरे यार, जिस लड़की ने उसकी जान बचाई कितना हैंडसम है ये। वाओ, चैंग सॉन्ग बहुत ही खुशकिस्मत है। हेलो, क्या हाल है? मैंने बस इसलिए फोन किया है कि मैं वहाँ नहीं आ सकती और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट भी शायद कैंसिल करना पड़ेगा। चैंग सॉन्ग कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगी और उसके बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, मेरा मैसेज मिस्टर रूपा तक पहुंच गया था? जी मैडम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया? पर मैं तो पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। आप एक दफा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, अगर आप वापस करती हैं तो 3 गुना ज्यादा देना होगा। मिस्टर रूपा और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही मिस्टर रूपा से मिलकर बात कर लूंगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कहने का हक तो नहीं है, लेकिन आपको दूसरों से ये बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, मैं मिस्टर रूपा का ही पूछ रही थी। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि चैंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है मिस्टर रूपा की कंपनी के साथ, और वो हमें एक बहुत अच्छा मैनेजर भी दे रहे हैं और भी बहुत कुछ। क्या चैंग ये करने के लिए राजी हो गई? वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा मसला नहीं है। वैसे मैं भी बहुत टाइम से एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ।
तुम बहुत खुदगर्ज हो। मतलब तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुमने चैंग सॉन्ग को ठुकरा दिया। आखिर ऐसा है क्या तुम्हारे पास जिस पर तुम इतना इतराते हो? या आप किस लहजे में बात कर रही हैं मोहतरमा? ऐसा भी क्या कर दिया इसने? आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मतलब मैं डोमी जॉन का बाप हूं, समझी आप? डैड, और मैं चैंग सॉन्ग की माँ हूँ, और पूरे कोरिया में मेरी बेटी जितना खूबसूरत कोई भी नहीं है, और लोग मरते हैं उसकी एक्टिंग और खूबसूरती पर। क्या बात है आपकी बेटी की, तो मेरा बेटा किसी से कम है क्या? हार्वर्ड से पढ़ा हुआ ये, स्मार्ट भी है, और मेरे बेटे जितना इंटेलिजेंट पूरे कोरिया में नहीं होगा। बस कीजिए, ज्यादा बोल रहे हैं। न जाने क्या समझ रखा आपने अपनी बेटी को। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है क्या नहीं, लेकिन अगर ये चैंग का मैनेजर बना था तो इसका फर्ज था कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए। गैर जिम्मेदार इंसान। किस बात का मैनेजर? मेरा बेटा कभी मैनेजर बनना नहीं चाहता था। ये तो आपकी बेटी की जिद थी, क्योंकि उसको मदद की जरूरत थी इसीलिए मैनेजर बना। अच्छा ठीक है, बस करूं। इनको नहीं देख रहे किस तरह बात कर रही है? और मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती डोमी जॉन, तुम्हारे पास क्या पैसों की कमी है? इतनी दौलत है तुम्हारे पास, तुम तो 10 मैनेजर खुद रख सकते हो, फिर दूसरों के मैनेजर बनने की तुम्हें क्या जरूरत है? ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं उसका मैनेजर बनने के लिए। तो ये आपको किसने कहा कि यहाँ खड़ी रहे? जाएं जाकर अपनी बेटी से हकीकत पूछें। चलो तुम अंदर। अब वैसे भी उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसने SEC कंपनी ज्वाइन कर ली है, और जल्द ही वो लियो के साथ एंगेजमेंट कर रही है। कहाँ फंस गई मैं? अब यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो तुम? चलो अंदर। ये क्या किया मिस्टर जैंक? सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। चौकी 지금 혹시 이희경 씨 면회? 안 됩니다. 회장님 계십니다. 아, 네. 우리 송이도 예전엔 그냥 사설 경호원 쫙 깔고 그랬었는데. मैं इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? वो जिस तरह से बात कर रही थी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अपनी बेटी के अलावा उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता। क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम हो तुम? नहीं कुछ नहीं, बस चेंग सॉन्ग की तबीयत कैसी है तुमने पूछा जाकर? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा कहीं तुम उसकी एंगेजमेंट से परेशान तो नहीं हो? वो तो उसको पसंद ही नहीं करती मिस्टर जैंग। हाँ, वो तो उसका अच्छा दोस्त है। हाँ, तो दोस्त की तरह पसंद करती है। दोस्त और बॉयफ्रेंड में बहुत फर्क होता है। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल के लोगों का जहन अलग है। लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, इसमें बुरा क्या है? हाँ, तुम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात कह सकते हो, लेकिन लियो ने उसकी जान बचाई है। अब हालात बदल चुके हैं, अब चैंग के लिए उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होंगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? 나는 진짜 여러 번 구했다고요. 그래서 천성희 씨가 선생님한테 마음이 기울었던 거 아닐까요? 근데 이번에는 그 친구가 구해줬으니까 그쪽으로. 아니 뭐 구해준다고 다 좋아합니까? 그럼 경찰이나 소방 공무원들은 아주 전 국민의 사랑을 독차지하겠습니다. इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा मिस्टर जैंग, जो आप कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा था मैं। छोड़े। सच मानने को तो ये लड़का तैयार ही नहीं होता है। चैंग सॉन्ग एंगेजमेंट करने जा रही है लियो से, जिसने उसकी जान बचाई। पागल हो गए हैं ये लोग। निक नेम क्या है? यहां पर मैं किसी फेमस सिंगर का नाम लिखता हूं। चैंग सॉन्ग की मंगनी हो रही है, मैंने अभी सुना। यह आज का सबसे बड़ा जोक था मेरे लिए। मैं तो उस लड़की को बहुत पहले से जानता हूं, मैंने इस रिलेशनशिप के बारे में कभी नहीं सुना। चैंग यकीनन शादी कर लेगी अब लियो से। इस आदमी को मारना चाहिए।
खामखा के बेटों के मैसेज किए जा रहे हैं ये। कैसी हो तुम चैंग सॉन्ग? एसईओ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पागल तूने? अच्छा एक बात बता, क्या तुम वाकई मंगनी कर रही हो? तुम उससे मंगनी कैसे कर सकती हो चैंग सॉन्ग? I miss you. तुम कैसी हो चैंग सॉन्ग? पहले ये बताओ तुम यहां कैसे आए, बोलो। वो तुम मेरे रूम में बगैर बताए कैसे अंदर आ गए? ये कोई अच्छी बात है? पता भी नहीं चला। तुम क्या वाकई जादूगर हो? नहीं, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया, फिर मुझे भूख लगी, सोचा तुम्हारे साथ चल के खाना। क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरा फोन। मैं अपना मैसेज देखने ही वाली थी कि अचानक से तुम आ गए। क्या देख रहे थे तुम मेरे फोन में? मैं बस देख रहा था कैसा है ये फोन। ज्यादा मत बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ से जाओगे तुम? चलो तुम अपने मैसेजेस चेक कर लो। क्या तुम कह रही थी ना कि मैं मैसेज देख रही थी, तो देखो। तुम्हें इससे क्या है, चलो अब निकलो यहाँ से। अगर तुम भूले ना हो तो तुमने ही कहा था कि आज से हम एक दूसरे के लिए अजनबी। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, अब जाओ यहां से। ये क्या मैसेज कहां गया? आया ही नहीं होगा। मेरे फोन में क्यों झांक रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई अजनबी मेरा फोन देखे। मैंने सुना है कि तुमने एसईओ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। हाँ तो मैंने किया है, क्या हो गया है? तुम उसे कैंसिल कर दो। क्यों करूं ऐसा? मतलब उसने इतनी बड़ी कंपनी खोली है और वो भी सिर्फ मेरे लिए, अब मैं उसे मना कर दूं? कैंसिल नहीं करूंगी मैं। क्या कह रहा हूं मैं,
तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुमने ही कहा था कि मैं उसे साइन नहीं करूंगी। हाँ, कहा था, मगर तुम कैसे जानते हो ये बात? ये बात तो मैंने अपने घर में लियो के साथ की थी। कैमरा तो नहीं लगाया हुआ तुमने? लियो के अलावा तो कोई भी नहीं जानता था, उसने बताई है तुम्हें। एक मिनट, तुम दूसरों की बातें भी सुन सकते हो क्या? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं करता हूँ मैं। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे कह रहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मार दूंगी मैं उसे, कत्ल कर दूंगी उस एलियन। अगर आप उसके बारे में बात करेंगी तो मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाय, जो भी कहा सब सुन लिया। अच्छा किया तुम दीवार के आर पार देख भी सकते हो, कुछ भी करते हुए। मुझे भी देखा होगा ना। कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम। ना इस तरह कभी मैंने सोचा है और ना इस तरह कभी मैंने किया है। और तुम्हारी बातें भी मैंने कभी कभी ही सुनी हैं, और वो भी इसलिए कि तुम किसी मुसीबत में ना हो। मतलब तुमने हर बात नहीं सुनी ना? कहा ना, सब बातें नहीं सुनी है मैंने, और ना ही मैं इस तरह का आदमी हूँ। मुझे क्या पता तुम कैसे हो कैसे नहीं। मुझे तो ये मालूम है कि तुम एलियन हो। हाँ तो क्या हो गया? निकलो यहाँ से, जाओ, चले जाओ। इतनी बेइज्जती जिंदगी में कभी नहीं हुई। तुम तो ऐसे निकाल रही हो जैसे जानती तक नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? कर क्या रहे हैं आप लोग? MRI से पता चला है कि इनके दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये अब तक होश में नहीं आ सके हैं। अंदरूनी जख्म बहुत गहरा है, दिमाग के पिछले हिस्से पर काफी जोर पड़ा है, जिसकी वजह से होश आने में टाइम लगेगा। MRI, CT स्कैन जो भी करना है कीजिए, मुझे टाइम बताएं कि होश में कब आएगा। जी, वैसे इनकी इतनी उम्र नहीं है, जवान है ये, तो होश में आने में इतना वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में बेहतर हो जाएंगे ये। इनके होश में आने के बाद इनके कुछ टेस्ट और करवाए जाएंगे, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इनकी हालत अब खतरे से बाहर है, और इनके साथ एक वक्त में एक ही आदमी रुक सकता है।아, 괜찮을 거라잖아. 우리 한경이 사고 났을 때도 뭐라 그랬어요? 당신 괜찮을 거라고 그랬잖아요. 아버지, 어머니 모시고 들어가세요. 오늘은 제가 휘경이 돌볼게요. 아, 간병인 있는데 네가 왜? 간병인보다 제가 낫죠. 오늘은 그냥 제가 있을게요. 그래, 수고 좀 해라. 자, 우리 갑시다. 응? 아, 가자고, 글쎄! क्या हुआ? तुमने चैंग सॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? सही सुना तुमने, वो अब हमारे लिए काम करेगी। उसका स्केड्यूल मैं तय करूंगा, तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं कहूंगा मैं। लेकिन जरूरी है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई उसको बता दी तो सोच लो क्या होगा? इस एक्सीडेंट से चैंग सॉन्ग को तो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना तुम्हारे भाई को हो गया। धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, अगर मेरा सच खुल गया तो बचोगे तुम भी नहीं। लोगों को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। अब सोच लो ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कई और लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। सोच लो अच्छी तरह।
मालूम है वहां कितने लोग थे? चैंगसो, हंग्यूरा, वहां पे जितने लोग थे क्या तुम सबको मारने की कोशिश करोगे? अब तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है कि अब तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। डोमी जॉन, इस दुनिया में बहुत कम लोग आपके काम के होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तादाद ज्यादा है। अब उसमें से अगर कोई कीड़ा आपको काटने लगे तो उसे मार देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन नहीं होता लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा होता है। तुम अगर एक डील कर लो तो अच्छा होगा। कुछ अरसे के लिए तुम अपनी पावर्स अगर मुझे दे दोगे तो अच्छा होगा। मैं वादा करता हूं कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि इन पावर्स की वजह से तुम्हारी चैंग का बहुत ख्याल रखूंगा मैं। इस डील में हम दोनों का फायदा है, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बात मानकर जुर्म कबूल कर लूंगा तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। अब सोच लो अच्छी तरह क्या करना है। सोचने का वक्त दो तुम मुझे, लेकिन तब तक तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि इस बार जो मैं कह रहा हूं वो करूंगा, समझ गए? जल्द ही वो लियो के साथ एंगेजमेंट कर रही है उठो ना। क्या है? उठ जाओ, सोने दो, तुम भी सो जाओ। चलो बहुत हो गया, ऑफिस नहीं जाना क्या? ये लो भाई, तुमने जो जो कहा था मैं सब ले आया। लियो तुम कितने अच्छे हो। क्या बना रही हो आज? मैं ऑमलेट बना रही हूँ, थोड़ा जल गया है। अरे जल गया है तो क्या हुआ, हम वो भी खा लेंगे। अच्छा, अब मैं रोज ऐसा ऑमलेट बनाऊंगी। लियो नहीं छोड़ो, तुम बहुत तंग करते हो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। लगता है कोई पागल है ये। बहुत मीठे हैं। ध्यान से जाना, ओके? मैं बहुत मिस करूंगी। आ गया, ये देखो क्या लाया। इतनी जल्दी आ गए, वाह। हमें इनकी डेली शेड्यूल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी अभी इनकी सर्जरी हुई है तो इन्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना जख्म दोबारा भी खराब हो सकता है या फिर बॉडी में डिफरेंट किस्म के और भी मसाइल हो सकते हैं। कुछ दिनों के लिए योगा, एक्सरसाइज कुछ भी मत कीजिएगा, और अगर फीवर, खांसी वगैरह कुछ भी महसूस हो तो फौरन हॉस्पिटल आइएगा। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। देखो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है, शूटिंग पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिक्र नहीं करें पापा, मैं कर लूंगी। आप वापस आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं दोबारा से अपनी पोजीशन हासिल कर लूंगी, हर ड्रामा हर न्यूज में सिर्फ मैं ही होंगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन बाद भी तो कर सकती हो। पापा इतना मत सोचे, कुछ नहीं होगा मुझे, और मौत को तो कोई नहीं रोक सकता ना। अच्छा ये बताएं, एक आदमी की जिंदगी कितनी होती है? 100 साल तक? इतनी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे,
लेकिन जब तक जिंदा हूँ आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, जो दिल करे वो पहनूं, जो दिल चाहे वो खाऊं। घुट घुट के नहीं जीना है मुझे। आपका हाथ ऐसे थाम कर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूं। दुनिया में कोई कुछ भी कह दे, तसल्ली दे दे, सुकून सिर्फ आपका हाथ पकड़कर मिलता है। एक्टिंग मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने ये काम चुना। फ्राइड चिकन मुझे नहीं खानी चाहिए क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी, लेकिन इस डर से मैंने उसे कभी खाना नहीं छोड़ा। जानते हैं पापा, कोई भी हादसा मेरी जिंदगी में पेश आ जाए, ना ही मैं हार मानती हूं और ना ही उसके आगे सर झुकाती हूं। कंपनी से डायरेक्टर का फोन आया था, वो उस वायर वाले सीन के डबल पैसे दे रहे हैं। वो कह रहे थे चैंग से पूछ लो क्या वो कल आ सकती है। क्या तुम जाओगी? योग को मैंने नहीं देखा, कहाँ है वो? पापा आपसे मिला था वो? बात की उसने? वो आपसे अभी तक नाराज तो नहीं? हाँ मिल लिया था मैं उससे। अच्छा बेटा मैं अब चलता हूँ, मुझे जाना है, लेकिन जल्द आऊंगा, खुश रहना। आपका इंतजार करूंगी मैं, वापस आएंगे ना, वादा करिए। अच्छा हुआ आप मिल गए। वो दरअसल चैंग आज शूटिंग पर नहीं आ सकेगी। लेकिन हमारा सारा स्टाफ रेडी है, आप प्लीज इनसे बात तो कीजिए। वो ये कह रही थी कि इस सीन में रिस्क बहुत ज्यादा है। हेलो मैडम। हेलो मैडम। और उसने ये कहा था कि, लेकिन अब वो क्या कर सकती है, सारा स्टाफ मौजूद है यहाँ पर। हाय, मैं चैंग सॉन्ग की मॉम हूँ, अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। जी आप फिक्र मत कीजिए मैडम, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही चैंग का ख्याल रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए, चैंग सॉन्ग का ख्याल रखना। मॉम मैंने कहा है ना मैंने नहीं करना, उनको बोले यहाँ से चले जाए। हेलो मॉम, मॉम ये क्या? मैं तो समझी थी गाड़ी मेरा वेट कर रही थी। चलें। आ, डोमी जॉन मेरे पड़ोसी, आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन मुझे पिक करने के लिए कोई और आ रहा है? कोई नहीं आएगा, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। क्या, कहाँ? मैंने उनसे कहा कि चले जाएं। आपने उनसे कंफर्म किया? हाँ, उनकी मॉम ने बताया था कि वो थोड़ी मेरे ख्याल से आपको अब चले जाना चाहिए। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था एसईओ से वो कैंसिल कर दिया है, और हो सकता है इस वजह से वो शूट पर भी ना। आप कौन साहब हैं? मैं चैंग सॉन्ग का लीगल एडवाइजर हूँ। चैंग सॉन्ग अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। अगर आप यहीं खड़े रहे और उन्हें तंग करने की कोशिश की तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज जाइए। चलो। किससे पूछकर किया है तुमने ये? पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे हाथ छोड़ो मेरा, मैं तीन तक गिनूंगी, हाथ छोड़ दो मेरा। एक, दो, तीन। अच्छा ठीक है, बैठ रही हूँ गाड़ी में। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें मैनेजर की जरूरत थी ना, तो अब मैं तुम्हें मैनेज करूंगा। क्या बात है, मेरा मैनेजर एलियन है। अच्छा ये बताओ तनख्वाह में क्या लोगे, लोगों का खून या भेजा?
मजाक मत करो। मैं मजाक कर रही हूँ। डोमी जॉन, तुम्हें मेरी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा कि ना मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और ना ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हम इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं कि इतना बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे से बात। तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अचानक से मैनेजर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया? मेरी पोजीशन वापस मिलने वाली है, इस वजह से तो नहीं आ गए? मेरे मैनेजर बनोगे तो तुम्हारे लेक्चर्स का क्या होगा? कहीं उस लड़की के भी मैनेजर तो नहीं था जो मेरा मैनेजर बनने का सोच रहा है? जो दिल में आए सोचती रहो। मेरे पीछे मत आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ बता देना। इंतजार मत करना मेरा, खुद ही आ जाऊंगी। बाय। चैंग, देखो मैंने क्या कहा तुमसे, हम अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, ना ही अच्छे दोस्त हैं ना कभी बन सकते हैं। तुमने ही कहा था ना तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हो गया मैडम। तुम लोग चलो। चलो। तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ। अच्छा, लियो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कह रहे थे कि उसे जल्दी होश आ जाएगा। क्या अब क्या कहना चाहती हो और क्या सुनना चाहती हो तुम? देखो सीमी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कोई बात नहीं करना चाहती। एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले लियो मुझसे मिलने आया था, अब वो मुझे अपना दोस्त भी नहीं समझता, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं उसने। तुमसे नफरत करने की वजह भी सिर्फ लियो ही था, लेकिन अब तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। तुम बहुत खुश नसीब हो चैंग, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। वो तो ना मुझसे मिलना चाहता है ना ही मेरा चेहरा देखना चाहता है, उसको लगता है कि मैं उसकी वजह से खुश नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। और यही सब कुछ बचपन से तुम उसके साथ करती आ रही हो चैंग, अब समझ आया कि मुझे तुमसे नफरत क्यों हुई। लियो सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरे लिए तो वो सब कुछ था, जीने और मरने की वजह। लेकिन आज मैं अपनी उस मोहब्बत को खो चुकी हूँ चैंग, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे हकीकत बतानी ही नहीं चाहिए थी, कम से कम वो मेरा दोस्त तो रहता, मगर उसके तो जहन गुमान में सिर्फ तुम ही रहती हो चैंग। जरा मुझे अपनी जगह रख के देखो मुझे कैसा लगता होगा। अपनी पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ तुमसे नफरत ही की है, जानती हो उस दिन जब वो तुम्हें बचाने के लिए भाग रहा था तो मैंने दुआ की कि उसकी जगह मुझे कुछ हो जाए, मुझ पर एक एहसान करोगी, उसे कभी शर्मिंदा मत करना। सीमी,
लियो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि तुम उसके साथ नहीं हो, लेकिन तुम बहुत खुश हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। चलो अच्छी बात है, हम में से कोई एक तो खुश है। चाहे तुम उसे छोड़ दो लेकिन वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मसरूफ तो नहीं है? कैसे हैं डिटेक्टिव जैक, काफी दिनों बाद है। कुछ जरूरी बात करनी है आपसे, लेकिन अगर अकेले में कर ले तो बेहतर है। ठीक है चलिए। आई एम सॉरी आपको इस तरह अर्जेंट बुला लिया हम लोगों ने, लेकिन आपकी गवाही इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके। ये तो काम है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। क्या, किस बात के लिए लेकर गए हैं वो मेरे बेटे को? क्या उसने अपनी बीवी के साथ कुछ किया है क्या? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, समझ गए? और ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा इन लोगों को। अगर ये मुझे बचाने नहीं आता तो मैं भी जिंदा नहीं होती। पता है मुझे, जानता हूं। यूरा वाली बात डिटेक्टिव के अलावा किसी और से तो नहीं की? बस लियो को मालूम है। अच्छा ठीक है। मुझे लगा तुम कोमा में हो। ख्याल रखना अपने भाई का, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई उसको बता दी तो सोच लो क्या होगा? इस एक्सीडेंट से चैंग सॉन्ग को तो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना तुम्हारे भाई को हो गया। धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है, अगर मेरा सच खुल गया तो बचोगे तुम भी नहीं। लोगों को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी हकीकत क्या है। अब सोच लो ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, कई और लोगों की जिंदगियां दांव पर लग जाएंगी। मालूम है वहां कितने लोग थे? चैंग सॉन्ग, हांग यूरा, वहां पे जितने लोग थे क्या तुम सबको मारने की कोशिश करोगे? हाँ आ रहा हूं मैं 5 मिनट में। एक्सक्यूज मी, बात सुनो। हेलो, मैं चैंग सॉन्ग। मेरा सीन कब होगा? पहले सिमी मैडम के सारे सीन हो जाए, उसके बाद आपके सीन होंगे। पहले क्यों नहीं बताया? क्या, अगर आप पहले बता देते तो अच्छा होता ना। देखे ना कितनी सर्दी है। हाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4-5 घंटे और लगेंगे। 4-5 घंटे? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह इंतजार करना बैठकर सीन का। पहली दफा नहीं हो रहा ये, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
दैट ओके जबरदस्त। अच्छा सर ये देखिए ये चैंग के कुछ सीन है लेकिन इस लाइट में मुश्किल होगा। ठीक है चैंग को बता दो जाके आज का सीन कल शूट होगा। ठीक कैसा लगा आपको सर? हाँ जबरदस्त तुमने इमोशनल सीन जो किया है जरूर कोई बात है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो आओ कॉफी पिलवाता हूँ तुम्हें। चलो भाई पैकअप हो गया है सब लोग अपना सामान लपेटो और निकलो। ओके ओके बन्ना जी चैंग को बता दो आज उसका सीन नहीं होगा कल होगा। अच्छा ठीक है यार मुझे कल के शेड्यूल के बारे में बताओ। हाँ तुम्हारा कल का शेड्यूल है बहुत मजनी लाइट है भाई यार मेरी थोड़ी मदद करना। इतना अंधेरा क्यों है? बहुत सर्दी हो रही है। हेलो कोई है? एक्सक्यूज मी यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो मुझे यहां अकेला छोड़कर कहां चले गए सब? क्या वाकई भूल गए कि मैं चैंग सॉन्ग हूं? कैसे लोगे मुझे अकेला? मैंने कहा था ना कि तुम चले जाओ। मैंने भी कहा था कि इंतजार करूंगा। मगर क्यों क्यों कर रहे थे मेरा इंतजार? बस ऐसे ही तुम्हारी हिफाजत करनी है मुझे। मेरी हिफाजत क्यों करोगे? इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं जो ये ना समझ सकूं कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। डॉमी जॉन साफ साफ बताओ बात क्या है। करना क्या चाह रहे हो तुम? उस दिन जो तुमने कहा वो काफी नहीं था? जो और कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा ना जो तुम कहना चाहते थे वो कह चुके। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता ना ही मुझे तुम्हारा सॉरी चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ना ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है और ना ही होगी। तुम तो मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे ना, अब इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? उस लड़की का रिप्लेसमेंट थी ना मैं। अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो आसान लफ्जों में कह देती हूं, चैंग सॉन्ग भी अब तुम्हें पसंद नहीं करती। नफरत है मुझे तुमसे और इसके लिए तुमने ही मजबूर किया है। अब चले जाओ मेरे सामने से, मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारी खुदगर्जी का अंदाजा मुझे अब हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। कैसे हो गया? क्या किया है तुमने? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। इस वक्त सिर्फ दिल की सुनूंगा।
고장인가 보네요. 혹시 천송이 씨 아버님 되십니까? 누구신지. 천송이 씨가 아버님 많이 보고 싶어 했습니다. 깨어났을 때 옆에 계셔준다면 정말 좋아할 겁니다. 우리 송이랑 친한 분입니까? 제가 많이 좋아합니다. मुझे तो ये एपिसोड बहुत पसंद आया. आपको कितना पसंद आया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.